हिंदुओं सुनो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हिंदुओं सुनो, या पक्षपात कुछ ना राखू आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न सिख की तरफ, न ईसाई की तरफ, आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। वेद पुराण सद सद भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही सही बताऊंगा, हमारी अपनी किताबों में जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा, आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, जो सत्य है उसी को बताऊंगा। देश अरब भर गलता सहाये, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, अरब देश, अरब का मुल्क चौदहवीं रात की चांद की तरह चमकेगा, सूरज की तरह जगमगाएगा, और उसके अंदर चमत्कार दिखाने वाला, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला प्रकट होगा, ऐसी बातें जो किसी और से ना हो सके वो करेगा। क्या मतलब? मौजजे दिखलाने वाला, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने मौजजे दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया चांद के दो टुकड़े हो गए, अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा, अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसने फेंक दिया, हैं मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे, अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूं, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूं। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह एक तरफ से पिलाओ, एक गिलास दूध 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ, अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ, अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो, पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है पूरा का पूरा भरा है, दूसरे को दिया भरा रहा, तीसरे को दिया भरा रहा, चौथे को दिया भरा रहा, पांचवे को, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। का पियो, बैठ गए पीने लगे, 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो। कहने नहीं पेट भर गया है काफी है। नहीं और पियो। दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अपने ही पेट फट जाएगा बस, और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई कहा अल्लाह के रसूल बस, तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, अरब देश चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनू मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो।
उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है, छोड़ दीजिए उसे। आपने कहा उसामा अतशफाउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात करते हो? क्या मैं अल्लाह की हद को तोड़ दूं जो अल्लाह ने नाफिस किया है? क्या उस हद को मैं बदल सकता हूं? नहीं, उसका हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया। लोगों ने कहा बहुत बदनामी हो रही है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब यह दिया, वो बनू मखजूम कबीले की लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसका हाथ काट दिया मैंने, उस पर अफसोस कर रहे हो? लो अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लकतअत यदह, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी माफ कर दिया, अपने चचा हमजा का नाक और कान और जबान काटकर उसका हार बनाकर अपने गले में डालने वाली और पेट फाड़कर कलेजा निकाल के चबाने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की और सख्ती की तो इतनी सख्ती की। सख्ती और नरमी दोनों से आपने राजनीति चलाई, सियासत की, हुकूमत चलाई, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे। तुलसीदास जी कहते हैं वो राजनीति करेगा, आपन मत सबका समझावे, सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। तब तक मद्दी कोया, मदमानी मीठी कोया मानी आवाज, तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया के अंदर मीठी आवाज बाकी रहेगी। मीठी आवाज मत, मीठी कोया आवाज, मीठी आवाज का मतलब कुरान की तिलावत, शीरी आवाज यानी कुरान। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना महामद पार न होया, उस वक्त तक कोई भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकता है। यानी कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही समझा सकते हैं, कुरान पर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है पार होने का। बिना महामद पार न होया कोई, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले बगैर कोई भी आदमी स्वर्ग और जन्नत में नहीं जा सकता। ये तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण में, जो आज भी लिखा हुआ है। ये सब मंत्र मैं इंडिया ही में पढ़ता हूं, अगर एक भी गलत होता तो मीडिया वाले आज हमको नंगा कर दिए होते, कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं। और जितेंद्र नारायण त्यागी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते, समझ गए ना? जितेंद्र नारायण त्यागी हम किसको कह रहे हैं, नाम मत लीजिएगा उसका, मैंने नाम ले लिया है। ये दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो, हमारी तकरीर करोड़ों की कीमत रखती है, लिहाजा दो दो पैसों के लोगों के और दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। चले थे कुरान बदलने, कितने घमंड से कहा था कि मैं कुरान मिटा दूंगा, कुरान बदल दूंगा, 26 आयतें निकाल के रहूंगा, कुरान चेंज करके रख दूंगा। यस्तबतिल कौमन खैरा को, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करोगे, मेरे नबी मोहम्मद के रास्ते पर खुल्लम खुल्ला बिगड़ के चलाओगे तो हम तुम्हें बदल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे। यस्तबदिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को मुसलमान कर देंगे और तुम्हें बदल देंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने इनको ही बदल दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये शख्स मुसलमानों, मरने के बाद भी दो गज जमीन का टुकड़ा इसको नसीब नहीं होगा, और कहो इंशाअल्लाह। ऐसा चेंज किया अल्लाह ने, ऐसा चेंज किया अल्लाह ने। एक चीज की चेंजिंग रह गई बीच वाले हिस्से की, बचपन में उसके मां बाप ने जो खतना करा दिया था
वो बेचारा जिंदगी भर उसको जब तक देखेगा वही रोएगा, सब बदला ये नहीं बदल पाया, ये निशानी मेरे साथ बाकी रह गई है। सोच रहा होगा अमेरिका और लंदन और पेरिस और जर्मन और फ्रांस फोन कर करके पूछ रहा होगा कोई ऐसा इलाज है कि खतना खत्म हो जाए। बेचारा सोच रहा होगा इसको क्या करें हम, इसको कहां ले जाएं, ये तो जिंदगी भर उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई ताकत नहीं है जो कुरान को बदल दे, कोई ताकत नहीं। चले थे 26 आयतें बदलने, अरे तुम 26 आयतें क्या, 26 मर्तबा मरने के बाद और अल्लाह की कुदरत से 26 मर्तबा जिंदा भी हो जाओ और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी चाहो कि 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकते, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं। ये तेरे बाप की किताब नहीं है, जिसने तुझे मंत्र पढ़ाया ये उसके बाप का भी कुरान नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, अल्लाह कह रहा है हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ आओ और एक मैदान में आ जाओ, आओ मंत्र पढ़ाने वाले पंडितों तुम्हें चैलेंज देता हूं, ईसाइयों तुम्हें चैलेंज देता हूं, यहूदियों तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूं, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ, आओ एक मैदान में चलिए, आओ एक मैदान में उसको जमा करते हैं, आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ, ईसाई अपनी बाइबिल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाई और हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो, सब में तेल लगा दो, घासलेट डाल दो, पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। मोदी जी भी वहां हो, अमित शाह भी वहां हो, जर्जीस भी वहां हो, पादरी भी वहां हो, कृष्ण का राहिब भी वहां हो, हर आदमी हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदियों अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखो अपना सिख मेज पेश करो, गुरु किरण पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्टो अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाइयों अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस तुम्हारी किताब कुरान भी तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा, ये कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है, ये कुरान है जो मिटाने से भी नहीं मिटता है, ये कुरान है जिसकी तालीम में कशिश रखी है अल्लाह ने, इसको समंदर में डाल दो तो समंदर डुबो नहीं सकता, आग में जला दो तो आग जला नहीं सकती, इसको दुनिया की कोई ताकत मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये वो किताब है जो बड़े बुजुर्गों के दिलों में नहीं, 9-9 और 10-10 साल के बच्चों के सीने में महफूज है। ये 10 साल का बच्चा बड़े बड़े लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा कि ये कुरान वो तो जला दिया जो कागज के टुकड़ों पर था, वो
वो तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, लेकिन उस कुरान का क्या करोगे जो हमारे सीने में महफूज है, जो हमारे दिल के अंदर महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत देख, पूरी दुनिया के लिए हम तुझी को बदल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तेरी, अल्लाह ने पूरा तुझे बदल दिया। तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया तो तू एक चीज बदल के दिखा दे खतना। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल दिखा दिया, उसने तुझे पूरा चेंज करके ये साबित कर दिया कि मैंने तुझे बदल दिया। ले तेरी औकात यही थी, अब सारे लोग जिन्होंने तुझे मंत्र पढ़ाए और शुद्ध हिंदू करके त्यागी बना दिया है, वो सारे मिलकर तेरा एक खतना खत्म करके दिखाएं। खतना खत्म करने के चक्कर में पूरी मशीन खत्म करना पड़ेगी, और पहली पूरी मशीन खत्म हो गई तो फिर बीच वाला बन जाएगा बेचारा। कहां पहुंचा दिया उसको, सारे पंडित मिलकर और भारत की पूरी हुकूमत मिलकर भी उसकी वो निशानी खत्म नहीं कर सकती। जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फोन हो रहे होंगे, कोई है तुम्हारे पास सर्जरी तो बताओ, हम स्पेशल जहाज से भेज देते हैं उसको, लेकिन ऐसी सर्जरी अभी तक तो बनी नहीं है। अब देखिए आगे होता क्या क्या। और याद रखना, जो शख्स अपने बाप का नहीं होता वो गैरों का भी, जो अपनी मां का नहीं होता वो किसी और का भी नहीं होता। कुछ दिनों के बाद इधर से भी निकाला जाएगा, ये इधर से भी निकाला जाएगा। जो इंसान अपने घर की झोपड़ी और टीन में सुकून से नहीं रह सका, वो दूसरों की एयर कंडीशन में भी सुकून से नहीं रह सकता। सोते वक्त उसका दिल अंदर से उस कुड़ेगा, हमने क्या किया, बीवी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा, समाज ने साथ छोड़ा, सोसाइटी ने साथ छोड़ा, पूरी बिरादरी ने साथ छोड़ा। जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जब इन्होंने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरों ने बहुत इज्जत दी, आओ हमारे यहां जाओ, लेकिन वहां रहकर उसने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई तो आज ये लोग ऐसे हो गए, धोबी के गधे, ना घर के ना घाट के, ना इधर के हुए ना उधर के, ना इधर के हुए ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए हम। आज सलमान रश्दी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज तस्लीमा नसरीन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में इस जितेंद्र नारायण त्यागी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और जोर से कहो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जो कुरान को बदलेगा उसकी इस दुनिया में कभी कोई खैरियत नहीं है, यही लोग उसको निकालेंगे, यही लोग। जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो, जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो, और मोदी जी कब तक हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों, आपको मालूम है ना, सब जानते हैं, ये तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, वो याद रखो, वो याद रखो, जो आज साहिबे मसलत हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जब तक ये हैं तब तक तुम हो बेटा, जब बाप ही नहीं रहेगा तो फिर बेटा क्या करेगा, और कभी ना कभी तो बाप उतरेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, उसके यहां देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जुल्म और सितम की बुनियाद पर हुकूमतें ज्यादा दिन नहीं टिक पाती हैं। हिटलर का अंजाम हमने देखा है, हज्जाज इब्ने यूसुफ सफवी का अंजाम हमने देखा है, जालिम हुक्मरानों की तारीख हमने देखी है। 100 साल गुजरने के बाद उनको लिखा गया, हमारे देश के भी चौकीदार जुल्म सितम करेंगे तो उनको भी क्या लिखा जाएगा 100 साल के बाद।
लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त पढ़ने वाले हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी। यूट्यूब चैनल वालों से गुजारिश है कि मेरी ये चीज़ अपने चैनलों पर न दें, क्योंकि यूपी के चुनाव हैं बहुत करीब और मीडिया इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, यूपी के चुनाव में इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मैंने जो कुछ भी ये बोला है जितेंद्र नारायण त्यागी के बारे में और ये जो साहिब मसनद, इन चीज़ों को कट कर दें, ये यूट्यूब पर न दें, अपने चैनलों पर न दें। अगर किसी ने दे दिया तो कॉपीराइट का मुझे पूरा अधिकार है, पूरा हक हम रखते हैं, ये न दें। तो आप लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए मैंने कह दिया है, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ये बताता है कि ये इधर से भी तलाक मिलेगी इसको, ऐसे लोग कहीं पनप नहीं पाए। वरना धर्म कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाइयों, हर धर्म, इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी चीज़ हो तो वो आप ले लो, अच्छी चीज़ें ले लेना चाहिए, इंसानियत जहां मिले ले लो। कौन सा धर्म है जो आपको इंसानियत की शिक्षा नहीं देता है? हिंदू धर्म में इंसानियत है, सिख में इंसानियत है, जैन में इंसानियत है, ईसाई धर्म में तो इतनी इंसानियत है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, नहीं बदला मत लो, कोई दाएं पे मारे लो, और जब इधर भी मार दे तो इधर लो, यानी पिटते रहो। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि किसी पर जुल्म मत करो, अगर कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले, ये ऊपर का पंजाबी, तो उसके साथ 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ और वहां जाके उसको अपना पैजामा भी उतार के दे दो, यहां तक लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन इस्लाम ने इतनी बुजदिली नहीं सिखाई है, इस्लाम ने कहा है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दे तो उतना ही तुम बदला ले सकते हो जितना उसने तुम्हें परेशान किया है, ज्यादा नहीं, अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन बदला लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कभी कभी बदला लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कौमों की जिंदगी का इन्हिसार उसी पर है। इसलिए कुरान ने कहा वफिल किसास हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है। अगर आप बदला नहीं लेंगे तो ये लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे तो फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें कत्ल कर दे तो बदले में उसको भी कत्ल कर दो, ताकि ये सजा जब लोग देखें तो फिर किसी दूसरे के अंदर हिम्मत ना पड़ सके फिर किसी को कत्ल करने की। अगर आप कातिल को कत्ल कर दोगे तो फिर बहुत से कत्ल होने से बचा लोगे, चोर के हाथ काट दोगे तो बहुत सी चोरियों से समाज को बचा लोगे, बलात्कारी को पत्थरों से मार मार के उसको हलाक करके उसको मार डालोगे तो बहुत सी माँ बहन बेटियों को तुम बलात्कार होने से बचा लोगे। वफिल कसास हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है, ये कुरान ने कहा है मेरे भाइयों, और कभी कभी बदला लेना जरूरी भी हो जाता है। हमारी इन बातों को आप देखिए और सोचिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो एक हदीस सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा अगर औरतों लेडीज़ के अंदर से अगर आवाज़ कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, वैसे आज बहुत सुकून से सुन रही हैं, आज तारीफ़ करना पड़ेगी, वरना औरतें कभी इतनी खामोशी से सुनती नहीं हैं, या तो इनको समझ में आ रहा है मेरी हिंदी, थोड़ा सा और अगर ये बेचारी कपड़ा अपना ना दिखाएं किसी को, साड़ी कितने की, तू कहाँ से ली, चाचल में कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान में मिलती है, ये थोड़ा सा अगर ये अपनी चौंचे बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जलसे के बाद बता देना ये साड़ी कितने की आई, चप्पल कितने की आई, पर्स कितने की, कहाँ से, थोड़ा सा जलसे में थोड़ा सा आप खामोश हो जाएं, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो जाएं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्ज थोड़ी है जलसा सुनना, लेकिन सुनेंगी तो कुछ तो समझ में आएगा। जब हिंदी के सीरियल समझ में आ जाते हैं, सास भी कभी बहू थी, जब ये समझ में आ जाता है तो हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आएगी इंशाल्लाह, हम तो बहुत आसान, बहुत बहुत हम स्लो बोल रहे हैं, कोई बंबई और हैदराबाद में बोल रहे होते तो अभी तक हम कितनी स्पीड होती है हमारे, हम बहुत स्लो बोल रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सीरियल समझ लेती हो, हिंदी फिल्में समझ लेती हो, हिंदी गाने समझ लेती हो तो मेरी बात भी समझ लोगी इंशाल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूँ, देखिए उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम बताए गए हैं, देखिए
وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر يحشر الناس ولا قدمي يوم القيامه وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه البخاري سوري رواه مسلم في كتاب الفضائل یہ حدیث امام مسلم کتاب الفضائل میں لائے ہیں، میں نے ایسے ہی پڑھ دی ہے، سنیے۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ چاچا کہاں جا رہے ہو؟ بیچ سے نہ اٹھا کرو، پیشاب کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے سوچا گھر جا رہے ہو، اب اس عمر میں گھر جا کے کیا کرو گے؟ بیٹھیے بھائی۔ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ پانچ نام بتا رہا ہوں، وہ کہاں گئے؟ اب آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ انا محمد، سنیے، پانچ نام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ پانچ نام کون سے ہیں، اس لیے جس کو بھاگنا ہو ابھی بھاگ جاؤ، ان دونوں کو بھگاؤ جلدی سے سامنے سے۔ اصل میں جب میرے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حیدرآباد وغیرہ میں ایسے کوئی سامنے سے کھڑا ہوا تو میں سمجھا جا رہا پیشاب کرنا ہے، لیکن وہ آیا اور سیدھا میرا مائک پکڑ کے پھینک دیا، اے کیا بول رہا ہے؟ اس کے بعد انڈے ٹماٹر آلو سب چلے، چپل جوتے کرسی سب پھینکی گئیں۔ تو میں اس دن سے ڈر گیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مائک پکڑنے آ رہا ہو، تو سامنے سے مت آیا کرو، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا میں بول رہا تھا، پیچھے اٹھ جا کوئی بات نہیں، لیکن سامنے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں، یہ حیدرآباد میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا لگتا ہے میرا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ پانچ نام یاد رکھنا، انا محمد، میرا پہلا نام، ایک نام کیا ہے؟ محمد۔ وانا احمد، اور دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد۔ ایک نام محمد اور ایک نام احمد۔ تیسرا نام وانا الماحی، میرا ایک تیسرا نام ہے ماہی، مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا، تیسرا نام ماہی۔ چوتھا نام حاشر، حاشر جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سب